Hello everyone, welcome back to my channel, and this is part 2 of how to use good notes in iPad. So let's start. पिछली वीडियो में हमने देखा था कि आप गुड नोट्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद जो उसका होम स्क्रीन है उसका मैंने इंट्रोडक्शन दिया था. इन दिस वीडियो वील लर्न अबाउट हाउ टू मेक अ नोटबुक, हाउ टू मेक अ फोल्डर. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट वील क्लिक ऑन गुड नोट्स. दिस इज योर होम स्क्रीन. And to make notebook, it is simple. We'll just click plus sign and then we'll click notebook. Notebook क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा फॉर्मेट आएगा. सो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक तो कवर और एक है पेपर. इफ़ यू वॉन्ट कि आपकी नोटबुक जब आप ओपन करें तो सबसे पहले नोटबुक कवर दिखे, तो हम पहले कवर पे क्लिक करेंगे. कवर पे क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत सारे स्टाइल्स आएंगे जिसके थ्रू आप आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं. सो आई विल सिलेक्ट समथिंग कलरफुल, दिस वन. तो यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं कि आपने जो अपना नोटबुक पेपर यूज़ किया है उसी पेपर साइज में आप अपने कवर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं. सो आई हैव सिलेक्टेड दिस कवर. मुझे पता है कि मुझे अपना जो नोटबुक का पेपर है वो मुझे A4 साइज़ में लेना है. सो आई विल सिंपली क्लिक ऑन दिस. यहाँ से आपको सारे पेपर साइजेस मिल जाएंगे. सो यहाँ पे मैं A4 साइज़ क्लिक करूँगी एंड आई एम डन. अगर आपकी नोटबुक पोर्ट्रेट में है तो आप इस कवर को भी पोर्ट्रेट में सिलेक्ट कर सकते हैं. अगर आपकी नोटबुक लैंडस्केप में है तो यू कैन आल्सो सिलेक्ट द कवर इन लैंडस्केप मोड. सो हमने यहाँ पे अपना कवर सिलेक्ट कर लिया है पोर्ट्रेट. एंड नाउ वी विल कम फॉर द पेपर. पेपर को सिलेक्ट करने के लिए सिंपल इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास पेपर के सारे ऑप्शंस आ जाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वही पेपर का साइज सिलेक्ट करना है और किस कलर का पेपर आपको चाहिए वो सिलेक्ट करना है. सो वील क्लिक हियर. अब यहाँ पे सारे आपके पास पेपर साइजेस हैं तो A4 एंड कौन सा पेपर कलर सिलेक्ट करना है, जैसे येलो है, वाइट है, डार्क है, तो आई विल गो फॉर येलो. यहाँ पे है अब पेपर टाइप. पेपर टाइप में जिस पेपर को यूज़ करने में आप कंफर्टेबल हैं, यू कैन यूज़ दैट टाइप ऑफ पेपर. यू कैन चूज़ ब्लैंक पेपर, डॉटेड पेपर, स्क्वायर पेपर, रूल्ड नैरो, रूल्ड वाइड. सो दीज आर द एसेंशियल पेपर्स. आपका नोटबुक है वो पोर्ट्रेट में आप लेना चाहते हैं, लैंडस्केप में लेना चाहते हैं, दैट इज़ टोटली अप टू यू. एंड दिस इज़ द लैंग्वेज प्रेफरेंस. जो भी आप नोट बनाते हैं उस नोट को आप कौन सी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, दैट इज़ अप टू यू. तो यहाँ पे आप आराम से वो लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं. उसके बाद नाउ यू कैन राइट द टाइटल ओवर हियर कि आपका जो नोटबुक आप बना रहे हो उसका टाइटल क्या है, जिस टॉपिक से रिलेटेड आप अपने नोट्स बनाएंगे इस नोटबुक में, तो वो आप इस जगह आप अपना टाइटल लिख सकते हैं. अब आपका कवर भी सिलेक्ट हो गया है, आपका पेपर भी सिलेक्ट हो गया है, आपके पेपर का साइज भी सिलेक्ट हो गया है, आपने अपना टाइटल भी टाइप कर लिया है. नाउ वील क्लिक क्रिएट. तो यहाँ पे ये आपकी नोटबुक क्रिएट हो गई है. अब आपको इसको आइकन मोड में देखना है तो आप यहाँ पे बैक पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी नोटबुक रेडी है. सो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट योर नोटबुक इन अ वेरी easy way. Now I'll tell you how to create a folder. Simply click plus, click folder. Folder आप create करते हैं तो यही icon रहेगा. आप इसमें कोई आपको variety आपको नहीं मिलती. Folder का color अलग अलग होगा according to your choice. ऐसा कोई facility नहीं मिलती. So it is a bit off with that because I think कि थोड़ा सा folder color change होना चाहिए so that आपका जो topic है वो आपको पता चल लगे folder को देख के कि this is the particular folder of my particular topic or my particular subject. So यहाँ पे जैसे आपने folder select करने के बाद यहाँ पे आएगा, आपको यहाँ पे अपना जो title है, folder name है, वो आप उसमें type करना होगा. टाइप करने के बाद यू विल हैव टू क्लिक डन. ये आपका फोल्डर आ गया. अब यहाँ पे हमने आज सीखा है कि फोल्डर कैसे बनाते हैं, नोटबुक कैसे बनाते हैं. अब यहाँ पे मुझे आपको बताना है कि एक जो नोटबुक है उसको फोल्डर में कैसे मूव करें. सो सिंपली वील क्लिक हियर. जैसे ही आपको ये पॉपअप आ जाए, जैसे आपने इसको क्लिक किया, दो सेकंड के लिए रखा, तो इट विल ऑटोमेटिकली ऐसा पॉपअप हो जाएगा
and then you have to just simply drag and drop. Very simple to move your notes in from one folder to another, or from main screen to a desired folder. So this is how you make notebook and you make folders. अब एक और छोटा सा एक फंक्शन और बताती हूँ इसका. हमको मालूम है कि यहाँ पे फेवरेट्स है. फेवरेट्स इज़ कि आपने पर्टिकुलर किसी टॉपिक को या फिर किसी पेज को आपने बुक मार्क कर रखा है या फिर स्टार मार्क कर रखा है. तो हम स्टार मार्क कैसे करें? वेरी सिंपल, वेरी इजी. आपका फोल्डर है और फोल्डर के राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर में एक स्टार होगा. आप उस स्टार को क्लिक करते हैं तो इट विल टर्न इनटू रेड एंड दिस विल शो इन फेवरेट्स. अब यहाँ पे देखिए, मैंने स्टार मार्क किया है तो फेवरेट्स, जैसे हम फेवरेट्स क्लिक करेंगे तो ये आपका फोल्डर आ जाएगा. अब हमें इस स्टार मार्क को हटाना है कि जितना टाइम हमें चाहिए था इसको फेवरेट में डालने का हमने डाल दिया है. एंड वी वॉन्ट टू रिमूव द स्टार. वॉट वील डू, वी सिंपली क्लिक ऑन द सेम स्टार, हल्का सा, द रेड कलर विल डिसअपियर एंड ये आपका फेवरेट्स में से हट जाएगा. So in this video we have learned how to make a notebook, how to make a folder and how to make a folder or a notebook, you know, mark a star and make it in a favorite list. So I hope you like this video. Give this video a thumbs up and please subscribe to my channel. And ek aur cheez, main bahut dino se ek idea aa raha tha ki even I lack somewhere at some point related to the tech stuff and iPad stuff. So from next video I will start asking one question that I want to get clarity from, and you can comment down the answer of that question so that I can also get benefit from you guys. So I hope you like this idea. If you like this idea, do comment down below and please subscribe to my channel, and thank you for watching.